प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक। बड़े बड़े उदाहरण हैं। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए, एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट पलट के दिया और उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख्स। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर शी वाज शॉक्ड। 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं, ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल लग गए। इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रा अ पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख रुपीज इन जस्ट 30। ये कुछ भी कर सकता है सर। कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के समुद्र के अंदर, आप निकालें, कहानियां हैं ही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर, जो ट्रेन रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल और स्टिक लेकर। ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है, कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 वर्ष हो गए बोलते हैं। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में पहली बार एक अंग्रेज को सुना था, आज से मैंने करीब करीब 18 साल पहले। एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था पीछे, 660 लोगों की सिटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रूम में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 18 वर्ष पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसी वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पर जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं, आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता, नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो।